नए संसद भवन पर दिल्ली से लेकर बिहार तक संग्राम मचा हुआ है। वैसे तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है, लेकिन अभी से तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोग इस नए संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट करेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोने वालों को रोने का बहाना चाहिए। ये लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर भी बन गया और लोकतंत्र का मंदिर भी बन गया। देखिए, रोने वालों को रोने का बहाना चाहिए। ये लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने के नेतृत्व में राम मंदिर भी बन गया और लोकतंत्र का मंदिर भी बन गया। तो ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसके उद्घाटन में भी व्यवधान डाल रहे हैं। किस मुंह से बैठेंगे संसद में? कह दें कि संसद में बैठेंगे ही नहीं, उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। और संसद जो बढ़िया बनी है उसका मजा पूरा लेंगे ये लोग। ये बहुत गलत बात है। नरेंद्र मोदी जी की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में उनकी इतनी इज्जत हो रही है, और भारत के जो दल हैं विपक्षी, उनका एक ही काम रह गया है कि नरेंद्र मोदी जी कहेंगे दिन है तो वो कहेंगे रात है। तो ये दिक्कत है। मोदी जी का विरोध करते करते लोकतंत्र के मंदिर का और लोकतंत्र का विरोध कर रहा है विपक्ष। शाहनवाज हुसैन ने विपक्षी एकजुटता पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है, ये लोग भ्रम पैदा किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का फिर से आना तय है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। कुछ होने वाला नहीं है, ये लोग भ्रम पैदा किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का आना तय है, 2024 में भारी बहुमत से जीतेंगे। ममता जी आकर बिहार में वोट बढ़ा देंगी, या नीतीश जी जाकर बंगाल में वोट बढ़ा देंगे, या KCR आके कांग्रेस का वोट बढ़ा देंगे। सब तो आपस में ही लड़ते हैं, ये लोग सिर्फ अखबार में फोटो छपवाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, कुछ नहीं है। कुछ होने वाला नहीं है, बिहार में खाता नहीं खुलेगा महागठबंधन का। नई 4 मंजिला संसद में लोकसभा के लिए 888 सीटें और राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। 18 मई को लोकसभा सचिवालय की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी बात को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और किसी बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर संविधान में कोई नियम नहीं है। ऐसे ही एक पिछले मामले को देखते हुए अगस्त 1975 में जब संसद एनेक्सी भवन तैयार हुआ था तो उसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। अब इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस को घेरते हुए जवाब दिया है। उनका कहना है कि 1987 में जब संसद पुस्तकालय बना था तो उसका उद्घाटन भी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। इसी को लेकर बीजेपी लगातार विपक्ष को जवाब दे रही है और कह रही है कि जब संसद एनेक्सी भवन का उद्घाटन इंदिरा गांधी कर सकती हैं, तो नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी क्यों नहीं कर सकते।